हेलो माय यूट्यूब फैमिली। सो आप सब कैसे हो? आशा करते सब लोग अच्छे होंगे। गुड आफ्टरनून। सो आप सब बढ़िया ही होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि अब तो गर्मी का सीज़न आ गया, बहुत ज़्यादा गर्मी होने, बहुत ज़्यादा धूप होने लगी है। तो इस चक्कर में मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं, लेट उठते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कमरे में, ये मेरा सुबह सुबह बहुत दिक्कत हो गई थी, जितनी भी टाइल्स कमरे में लगी थी सारी गिर गए थे, मतलब कि तो हम लोग सो रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो अचानक से हम लोग जब उठे तो देखा कि ये सब पूरा नीचे पड़ा था, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। तो आपको पता ही होगा नवरात्र हो गए हैं, तो नवरात्र में मेरी माता रानी को आप रूप देख सकते हैं, ये माता का दरबार सज गया है। हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा नहीं है, ऐसे ही हल्का फुल्का माता रानी को कर दिया। तो ये आप देख सकते हैं मेरी माता रानी है, और यहाँ पर मम्मा का सामान रखा है, यहाँ पर मेरी पूजा हवन करती हैं जो करती हैं। तो आज मेरी मम्मी को जाना है मौसी के यहाँ। तो गर्मियों में आप पता ही होगा कि ठंडा पानी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह बहुत अच्छी लगती है गाइस, तो हम बस ठंडा ही पानी पी रहे हैं। गले में बल्कि दिक्कत भी हो रही है, बट हम पी रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है ठंडा पानी पीने से, थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है गाइस, तो क्या ही होता है। और ये मेरी मम्मा गाना याद कर रही हैं, मौसी के यहाँ जाना है, तो वो फुल तैयारी से जा रही हैं, गाना याद कर रही थी डायरी से कि जो पिछले वाले गाने उनको रिपीट मार रही थी कि कुछ वहाँ जा कर गाना ना गा सकें, तो वहीं बैठे बैठे अपना चल रही थी। और गाइस क्या ही बताएं, गर्मी की हाल ना पूछो, बहुत ज़्यादा उलझन होती है, इतनी दिक्कत होती है गर्मियों में, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो आप देख सकते हो हम छत पे आए आपको दिखाने की, हम वीडियो इस टाइम नहीं बना पा रहे हैं, इतनी धूप है, मतलब कि बहुत दिन हो गए हमने वीडियो नहीं शूट किया, शॉर्ट वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, इसी धूप की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी धूप आई, इतनी यहाँ पे वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है गाइस, बहुत दिक्कत हो जाती है, इसलिए वही वीडियो बना नहीं पा रहे हैं। तो क्या ही बोले, और ये गांव की कंडा है, माई बगल में दादी हैं जो, तो वही पाती हैं यहाँ की कंडा, मम्मी तो पाती नहीं, उनका टाइम नहीं है, तो मम्मी पात लेती हैं, मम्मी कभी वो दादी तो पास लेती हैं आके। और जब से नवरात्र, कल से तो नवरात्र शुरू हुए, तो कल से मेरे गांव में फिर से हलचल हो गई, मतलब कि हर जगह अखंड अनाड हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ प्रोग्राम, तो मेरे गांव में लगा रहता है गाइस। मेरे गांव के लोग ऐसे हैं, भक्ति बहुत है, भक्ति में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भक्ति हैं गाइस, सच में बहुत ज़्यादा भक्ति हैं, इतने भक्ति हैं कि मतलब कि कुछ ना कुछ होता रहता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है, तो कभी सन्नाटा नहीं रहता है, तो ऐसे ही हलचल बनी रहती है। जब कोई प्रोग्राम होते हैं तो फिर थोड़ा घर में दिक्कत हो जाती है, वरना और सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग कैसे हो? सब लोग अच्छे ही होंगे, क्योंकि गर्मी, अब तो गर्मी आ गई, तो गर्मी में बहुत उलझन होती होगी ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गर्मी, तो बहुत ज़्यादा बोरिंग समर, वाकई बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली ये सीज़न है। तो चलते हैं नीचे, आपको यही दिखाने आए थे कितनी धूप है, बताओ वीडियो कैसे बनाएं, बताओ कैसे बनाएं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और नीचे क्या होता है ना, नीचे सब लोग रहते हैं ना, तो फिर वीडियो नहीं बना पाते हैं, और थोड़ा एकांत में हम वीडियो बनाते हैं ना, जितने ज़्यादा आए जब अकेले होते तब वीडियो बनाते हैं, तो दिक्कत यही है बस। तो सोच रहे जब छाया या हो जाए करें तो तब भी बनाया करेंगे, है ना, बने रहिए। आलू की दाल की सब्ज़ी बनाई थी, कितनी गंदी सब्ज़ी लग रही है, देखा गई कितनी बड़ी सब्ज़ी बनाती है। और ये चावल बनाए थे, और ये रोटी बनाई थी, तो जिसमें कि हमने तो कुछ खाया ही नहीं है, थोड़ा बहुत खाया है, कुछ ज़्यादा नहीं खाया। सो पापा पेट्रोल देख रहे थे बाइक में कि पेट्रोल है कि नहीं, क्योंकि मम्मा को छोड़ने जाना था मौसी के यहाँ, यही पास में रहती चक्रपुर मौसी के यहाँ, तो जो मेरी छोटी मौसी हैं वो कीर्तन कराती हैं ना, तो फिर वो हर बार मम्मी वहाँ पे जाती हैं, तो उसी का बस मम्मी वहीं जा रही थी, तो तैयारी कर रहे थे हम शाम की, क्योंकि शाम को पूरा काम करना होता है, नवरात्र वाले दिन नवरात्र से शुरू हो जाता है तैयारी मेरा, और गैस बहुत काम हो जाता है, इतना काम हो जाता है कि क्या ही बोलें, तो इतना थक जाते हैं तो और क्या बताएं। और इस टाइम तो वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि मम्मी का तो अब तो 9 दिन बराबर उनको माता रानी का यही होता रहेगा, और क्या कहते हैं, और हमें काम करना होता है, काम करो इतना थक जाओ तो फिर वीडियो बनाने का मन ही नहीं होता है गाइस, तो हम ज़्यादा ब्लॉग वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, शॉर्ट्स भी नहीं डाल पा रहे हैं, उसके लिए सॉरी, माफ़ कर देना।
और बस मम्मी निकलने वाली हैं और बस हम भी थोड़ा सा इन बस ऐसे ही हम भी थोड़ा टाइम पास कर रहे थे और मम्मी के जा ही रही थी। अब वो आएंगी शाम को, तो शाम की पूजा पाठ खाना पीना जो होता है सब मुझे ही करना है गाइस। चश्मा लेने जा, तो मम्मा अपनी तैयारी में लगी थी। मेरे यहाँ के जानवर हैं, ये मेरी पड्डो है, ये बहुत मारता, ये बहुत मारता है ना, ये बहुत मारता है, ये दोनों सीढ़ी हैं यहाँ पे मेरे पापा खा रहे हैं, पापा को मम्मी को ले जा रहे हैं और तेज धूप हो गई है। धूप तो बहुत ज़्यादा हो गई है, क्या ही बोले, ये दोनों सीढ़ी हैं, ये दोनों बहुत मारती हैं। ये तो कैरी दिखाती हैं अपनी, इस पर गुड़हल का ऐसे फूल बहुत चिपते हैं, इसमें येलो वाले फूल होते हैं, इसमें पिंक वाले होते हैं गाइस। ये किस चीज़ का पेड़ है पता ना, ये किस चीज़ का पेड़ है बताना, ये काय का पेड़ है ये बताना, ये काय का तो बताना। अब मेरा भाई नहा रहा है अभी, बहुत तेज इसे बहुत ही तेज धूप हो गया, इतनी तेज धूप हो जाती गाइस का ही पता है, वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हमको दुख हो रहा है इस बात कि हम वीडियो नहीं बना पा रहे हैं। तो मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब करना, बहुत सारा प्यार देना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आपको। तो बाय बाय, रहते रहते, ज़्यादा नहीं बनाएंगे बस इतना ही। तो बाय।